दोस्तों WWE के मोस्ट सरप्राइजिंग पेपरव्यू को होने में बस आप एक हफ्ता बचाए, और जिस तरह से WWE ने पिछले स्मैकडाउन में बम फोड़ा है, उससे रॉयल रंबल को देखने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। अब लास्ट स्मैकडाउन को देखने के बाद सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि आगे WWE सेमी जेन को लेकर क्या प्लान कर रही है। क्या रोमन रेंस सेमी जेन को ब्लड लाइन से निकालने वाले, क्या सेमी जेन रोमन रेंस पे अटैक करके खुद ब्लड लाइन से निकल जाएंगे, या रोमन रेंस कुछ और प्लान बना रहे हैं, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन, और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों लास्ट स्मैकडाउन पर WWE ने ब्लड लाइन से रिलेटेड काफी सारी चीजें करी है। फर्स्ट स्मैकडाउन के स्टार्ट में रोमन रेंस ने सेमी जेन को इग्नोर किया, यही से साफ हो गया कि सेमी जेन और रोमन रेंस के बीच सब कुछ सेटल नहीं है। इसके बाद मोस्ट अनएक्सपेक्टेड सेगमेंट देखने को मिला। अब गाइस, पॉल हेमन जब से ब्लड लाइन के साथ आए तब से उनके पर्सनल ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे, वो बस वही बोलते है जो रोमन रेंस उन्हें बोलने को कहते। बट लास्ट स्मैकडाउन में पॉल हेमन बोले और ऐसी चीज बोल दी जो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पॉल हेमन ने कहा कि उन्हें सेमी जेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, डे वन से ही सेमी जेन मुझे गड़बड़ आदमी लगता है। अब गाइस, पॉल हेमन रोमन रेंस के स्पेशल काउंसलर है, एंड पॉल हेमन से ये बात सुनने के बाद रोमन रेंस क्या सोच रहे होंगे इसका मुझे नहीं पता। बट इस सेगमेंट के बाद खुद रोमन रेंस ने सेमी जेन के साथ सेटलमेंट कर लिया। अब गाइस, पॉल हेमन के सेगमेंट के बाद ऐसा रोमन रेंस का सेटलमेंट करना बहुत ज्यादा अजीब था, लेकिन स्मैकडाउन के मेन इवेंट में कुछ ऐसा हुआ जिससे ये सेटलमेंट ऑलमोस्ट टूट गया। यस, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के टाइम केविन ओवंस ने रोमन रेंस को स्टनर लगा दिया, सोलो सिकोवा को फोड़ा और लास्ट में जेन जिमी उसो को भी फोड़ डाला और कॉन्ट्रैक्ट साइन करके सेमी जेन के ऊपर फेंक दिया। अब गाइस, ये केविन ओवंस की तरफ से रोमन रेंस को बहुत बड़ा मैसेज था, एंड रोमन रेंस को कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता है कि इन सब चीजों के पीछे सेमी जेन का ही आते। अब रॉयल रंबल और इस सेगमेंट के बीच अभी स्मैकडाउन का एक शो बाकी है, सो ये देखना काफी एक्साइटिंग रहेगा कि सेमी जेन कैसे चीजों को संभालते। और लिटरली गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि चीजें संभालने तो नहीं वाली, उल्टा बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है। एंड मैंने आपको पहले ही बताया था कि WWE रोमन रेंस वर्सेस सेमी जेन का मैच एलिमिनेशन चैम्बर के लिए प्लान कर रही है, और अभी के स्टोरी लाइन को देखे तो ये रूमर सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप क्या रोमन रेंस वर्सेस सेमी जेन का मैच देखना चाहते हो, या आपको सेमी जेन को ब्लड लाइन के साथ ही देखना है, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को एंड करने से पहले बिग शॉट टू करण सिंह राजपूत, देसी डॉग ट्रेनिंग, स्थली फेड एंड अबू अंसार, सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया हो तो, बड़ा आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। सो बस आज की वीडियो यही तक थी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार रेसलिंग डॉग हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।